السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم। आज के इस वीडियो में मैं आप हजरात के खिदमत में एक आसान और कामयाब अमल पेश करने वाला हूँ। अगर किसी शख्स को हमेशा बुखार आ जाता हो और वह बुखार बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा हो और आपने इसके इलाज के लिए काफ़ी पैसे भी खर्च कर चुके हैं लेकिन आपको बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा हो और दिन ब दिन आपकी परेशानी बढ़ती ही जा रही हो जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान रहते हो और बुखार का आना और जाना बिल्कुल जारी हो और किसी भी वक्त आपको बुखार आ जाता हो, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं किसी ऐसे कुरानी अमल के ज़रिए से वो अमल कर लूँ कि उस अमल के ज़रिए से मेरा यह बुखार हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में सुकून महसूस कर सकूं, तो आज आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। जब आप इस अमल को पूरा यकीन के साथ कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपका बुखार हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इस अमल को जानना चाहते हैं मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल पावर वजीफ़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अमल करने का तरीक़ा जान लें कि आप यह अमल किस तरीक़े से करें। यह अमल कोई भी शख्स कर सकता है, इस अमल को करने की हर एक शख्स को इजाज़त है, लेकिन ख़ास तौर पर इस अमल को वो शख्स करें जिसका बुखार बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा हो। तो उस शख्स के लिए कोई भी ये अमल कर सकता है, उस बीमार के लिए, उस मरीज़ के लिए, जो शख्स भी उस बीमार के लिए ये अमल कर रहा हो तो वो अमल इस तरीक़े से करें। सबसे पहले आप एक गिलास पानी लें या आप उस पानी को ले लें जो मरीज़ जो पानी इस्तेमाल कर रहा हो तो उस पानी को आप ले लें, या ये कि आप एक गिलास पानी ले। पानी लेने के बाद कुरान करीम की इस सूरत को यानी सूरह काफ को आप गिनती के साथ तीन बार पढ़कर इस सूरत को आप मुकम्मल पढ़ें। इस सूरत को आप तीन बार पढ़कर उस पानी के ऊपर आप दम कर दें और दम कर देने के बाद आप उस मरीज़ से कहें कि जब भी उसे प्यास लगे, किसी भी ज़रूरत के वक्त पानी पीना महसूस करे तो वह इसी पानी को इस्तेमाल करे। इंशाअल्लाह ताला इस पानी के ख़त्म होते ही उसका बुखार हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अगर यह अमल कर लेने के बाद फिर भी बुखार ख़त्म ना हो तो इस अमल को आप उस वक्त तक जारी रखें जब तक उसका बुखार हमेशा हमेशा के लिए ठीक ना हो जाए। उसके बुखार ठीक हो जाने तक आप इस अमल को जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला आप कुछ ही वक्त में आप देखेंगे कि उसका बुखार हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।